हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो काफी टाइम पहले बेसिकली हमने एक जो सीरीज थी CSEET के लिए, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख रहे थे। सो उसी को हम जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने जो है दो पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक जो है आपका जो फर्स्ट जो पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, और सेकंड हो गया आपका लीगल एप्टीट्यूड लॉजिक रीजनिंग। ठीक है, तो इनकी वीडियो ऑलरेडी जो है यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आज हम जो बात करने वाला है वो रहने वाला है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट में। इसके कम से कम हम 35 क्वेश्चन या फिर अराउंड जो है हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, उनके आंसर भी हम समझने वाले हैं। और उससे पहले हम करंट अफेयर पे भी एक बार बात कर लेते हैं कि आजकल क्या बेसिकली चल रहा है। ठीक है, तो अगर जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ऑलरेडी आ रहा है तो आप कमेंट में लिखते जाइएगा। आप अपने आप को फिर नंबर भी देख सकते हैं कि आप CSEET को क्रैक करने के लिए आप CSEET की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो करंट अफेयर तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के जो करंट अफेयर हैं उनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन मेड अ नेशनल आइकन ऑफ इंडियन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आइकन जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा किसे चुना गया है? तो आपको जो आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। तो पंकज जो त्रिपाठी एक्टर हैं, फेमस एक्टर, आपने मिर्जापुर से जो है इनका काफी जो है क्रेज रहा है, इनके बारे में सुना होगा, पंकज त्रिपाठी जी का नाम, कालीन भैया। तो इनको जो है जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने इनको नेशनल आइकन घोषित किया है। इनके द्वारा किए गए योगदान, अपने जो है वोट के ऊपर जो है किए गए योगदान के ऊपर इनको नेशनल आइकन बनाया गया है। अभी अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो राजीव कुमार जो है हमारे इलेक्शन कमीशन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु अमंग ऑफ फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है किसको चुना गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और अभी इनका जो है अपॉइंटमेंट होना रह गया है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को हम जो है उत्तराखंड दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी दिन उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से भी अलग हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन से 50वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस बने हैं। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, DY चंद्रचूड़ या धनंजय Y चंद्रचूड़। ठीक हो गया। इससे पहले 59th, अगर हम 59वां चीफ जस्टिस की बात करें तो ये थे हमारे उदय उमेश ललित जी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु हैज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ UAPA ट्रिब्यूनल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनफुल लॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, सो इसके जो है अभी नए ऑफिसर चुने गए हैं, तो उनका नाम क्या है? ठीक हो गया, तो उनका नाम है हमारा दिनेश कुमार शर्मा। तो दिनेश कुमार शर्मा जी को अभी जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है चुनाया गया है UAPA के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुलायम सिंह यादव हु पास्ड अवे रिसेंटली हैड सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। आपको पता है मुलायम सिंह यादव का नाम आपने न्यूज अखबार वगैरह में सुना होगा। सो वे कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तो आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश। ठीक हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो अभी जो है एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें सभी देशों के, बहुत सारे देशों के जो है क्या स्थिति है, उनके देश में गरीबी की क्या स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए एक इंडेक्स जारी होता है जिसमें भारत की रैंक पूछा गया है। तो भारत की रैंक जो है वो 107 बताया गया है। सी यहाँ पे जो आंसर है वो रहने वाला है 107, बट यहाँ पे जो है थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है ये इंडेक्स, क्योंकि ये जो इंडेक्स बताया गया है वो श्रीलंका और पाकिस्तान की जो इंडेक्स है वो हमसे अच्छी बताएगी। ठीक है, अभी इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भी जो है अभी लफड़ा होने वाला है, क्योंकि हमसे अच्छी जो रैंकिंग है वो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को दी गई है। आपको पता है श्रीलंका के बारे में नहीं पता है, जाकर एक बार चेक कर लीजिए किस तरह का क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में। ठीक है, तो ये इसके अलावा जो है कुछ और देख लेते हैं करंट जो अफेयर में। डॉक्टर एल कलाई सेल्वी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जर्नल ऑफ विच इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनका पूरा नाम है नालाथम्बी कलाई सेल्वी। तो ये जो है अभी एक महिला है जिनको पहली बार डायरेक्टर जनरल बनाया गया, बट किस इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का?
तो इनको बनाया गया बेसिकली, बी हमारा हम आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च। ये एक जो है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो है अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर नालाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु हैज बिकम 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यही पे अभी हमने बात की थी, 49th ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे थे बेसिकली उदय ललित, उमेश ललित, और अभी जो है डी वाई चंद्रचूड़ जो है नए बने हैं 50वें नंबर के। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। इन स्पेस टेक्नोलॉजी ISRO पार्टनर विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी ड्यूरिंग द बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। तो बेंगलुरु में जो है स्पेस एक्सपो होता है जिसमें ISRO इंडियन रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो किसके साथ जो है बेसिकली ये पार्टनरशिप होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ये पार्टनरशिप होती है बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। ठीक हो गया, नेक्स्ट है। वेयर वॉज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। ओके, सो ये जो है 2022 में कहाँ हुआ है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड फेयरी समिट IDF और WDS। ठीक है, ये समिट बेसिकली हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ओके, सो आज का जो है लास्ट करंट अफेयर हम चेक कर लेते हैं। विच रेगुलेटरी बॉडी हैज नोटिफाइड टू फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसिंग अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE इन इंडिया। सो कौन सी जो है रेगुलेटरी बॉडी ने जो है अभी एक फ्रेमवर्क जारी किया है जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE। तो ये हमारी सेबी, इसका आंसर हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। तो सेबी ने जो है बेसिकली एक नया जो फ्रेमवर्क है वो इंट्रोड्यूस किया है SSE। ठीक हो गया, ऑल राइट, सो अब चलते हैं हमारे जो टॉपिक पे हैं, जो CSEET का पार्ट रहता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट में। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे आपको ये क्रैक करना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक ओके, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश इज एन ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड द मोस्ट वाइडली यूज चैनल फॉर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट इन इंडिया। तो क्या कहलाता है बेसिकली, तो इसका आंसर हमारे पास है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो ऑनलाइन के तौर पे यूज होता है, जो गवर्नमेंट यूज करती है वो कहलाता है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आर कवर अंडर, इसके अंतर्गत आता है कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट और डोनेशन। तो ये आता है हमारा कैपिटल बजट के अंतर्गत, जो लोन्स जो है फॉरेन गवर्नमेंट फॉर जो बाहर की सरकार है, विदेशी सरकार है, उनसे जो गौर जो लोन्स हमें मिलते हैं उनको वो कहलाते हैं बेसिकली कैपिटल बजट। ओके, नेक्स्ट लिख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डैश एंड द लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच जो है रिलेशनशिप रखता है, तो इसका आंसर हमारे पास है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस के बीच में द लॉ ऑफ डिमांड गवर्नेंस जो है रिलेशनशिप रखता है क्वालिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। डैश इज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी येल्डिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इश्यू बाय अ कंपनी एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट असिस्ट, क्या कहलाता है बेसिकली। तो ये हमारे पास आंसर है डिपेंचर। डिपेंचर इज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी येल्डिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इश्यू बाय अ कंपनी एंड सिक्योर्ड अगेंस्ट असेस। ठीक होगी, नेक्स्ट लिखते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, किसके द्वारा जो है ये होता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स ऑफ कॉर्पोरेट बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंक्स एंड कॉर्पोरेट बैंक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तीनों ही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक एंड कॉर्पोरेट बैंक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट डैश द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्या कहलाता है, कौन सा प्राइस कहलाता है। तो वो कहलाता है इक्विब्रियम एट इक्विब्रियम द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द गुड सप्लाई इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज
प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है बिजनेस रिपोर्ट बनाई जाती है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और वर्ल्ड बैंक एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो हमारा आंसर हो गया वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट है, द डैश आर रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंस असिस्ट, जैसे मार्केट हो गया, बोरिंग हो गया, रिकवरी ऑफ लोन, तो किसके द्वारा? तो ये हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंस असिस्ट। ओके ओके, नेक्स्ट लिख लेते हैं भाई। इन ओरिजिनल बिजनेस इज अ सिस्टम बाय विच इज प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फाइंग ऑफ वांट्स बाय यूजिंग सर्वल इनटू इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, ईटीसी फ्रॉम द एनवायरमेंट। दिस स्टेटमेंट रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो कौन से बिजनेस एनवायरमेंट के अंतर्गत जो है ये जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली आता है? पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच, इंडस्ट्रियल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड क्रिएटिव अप्रोच। तो हमारा आंसर है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश इज अ ग्रोस डोमेस्टिक, नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश इज अ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या कहलाती है? तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज, मैं करना क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रेशंस। तो हमें करना क्या होता है, हमारा जो आंसर है वो 20 सही हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हमें माइनस करना है डेप्रिशिएशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश इज एम्ड एट प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन एट द ग्रास रूट लेवल, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल कास्ट की जो ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट की जो वुमेन है या फिर शेड्यूल ट्राइब्स की जो वुमेन है, उनका बेसिकली कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है? तो एक इनिशिएटिव लिया गया है, द स्टैंड ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। सो इसका एम क्या है? इज अ एम एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, व्हेन फिशकल, ओके। सो इसी तरीके से जो है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी जो पीडीएफ है वो मेंशन करके आपको बना के दे दिए हैं। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है, जो आपकी जो है सिलेबस में रहने वाला है। जब भी आप अपना सीएसडब्ल्यूटी के क्रैक करते हैं, केवल सीएसडब्ल्यूटी ही नहीं, आपको पता है सीएस एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में भी जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप सीएसडब्ल्यूटी एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहने वाला है। यहाँ पे हमने केवल कवर किया कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है डेली करंट अफेयर चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आप कमेंट करिएगा, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल जाएगी, स्टैटिक्स वीडियो भी आपको मिल जाएगी। पर्टिकुलर टॉपिक पे कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या क्या आपको पूछा जा सकता है करंट अफेयर में, अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं केवल पर डेली बेसिस पे, तो उसके रिलेटेड भी आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, जरूर आपके लिए तैयार की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाली है वो
तो आई होप जो है आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपने लास्ट 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहाँ पे जाकर भी चेक कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि CSEET में किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने जो है इस वीडियो में जो आपके 2 पेपर होते हैं वो 2 पेपर भी कवर कर लिए हैं। करंट अफेयर जो है बेसिकली आपको उसके लिए तो आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा फिक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके लिए आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी मटेरियल के लिए जो है CSEET के मटेरियल के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप एक बार जो है चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।